ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी करते हैं। इन्हें एक पैर लगा हुआ है प्रतिमन, इनका ये पैर यही जीवन आशा से इसी प्रांगण में मनसापूर्ण भगवान के आशीर्वाद से लगा है, गुरुदेव की प्रेरणा से। इन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 2021 में 2022 में कांस्य पदक जीता है और अंतर्राष्ट्रीय चेस रिपब्लिक में वहाँ चैंपियनशिप हुई तो वहाँ भी भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और आज ये जो इनका तीरंदाजी का हुनर है, जिसे इस पैर को लगने के बाद ये अपने हुनर को पूर्ण रूप से जो है साकार कर पाए हैं और अपने देश का भी देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, ये तीर अपना तीर कमान लेके आए हैं, उसी तीरंदाजी के हुनर से गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु अर्पण करना चाहते हैं। वैसे तो आप सभी ने मेरे बारे में सुन लिया होगा, फिर भी मेरा छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मैं एक साधारण परिवार, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी का देहांत 2021 में हो गया था। तत्पश्चात मेरे परिवार की जिम्मेदारियाँ और मेरे कंधों पर आ गई थी, लेकिन एक जुनून था कि मैं भी स्पोर्ट्स में कुछ करूँ। जुनून हर व्यक्ति में होता है, लेकिन उसको एक अच्छा मार्गदर्शक और एक अच्छा साथी चाहिए जो इसको हाथ अंगुली पकड़ के आगे तक लेके जा सके। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे ये इंगित हुआ कि जीवनाशा हॉस्पिटल जो है ज़रूरतमंदों को सपोर्ट करता है, मैं यहाँ पे आया और मेरा ये पैर बना। यो जो पैर है ऑलमोस्ट बहुत हाई कॉस्टली लेग है, जो बाहर के प्लेयर जो यूज़ करते हैं उनके जैसा। तो ये पैर मुझे जीवनाशा की ओर से मिला, इसलिए मैं गुरुवर का और जीवनाशा फैमिली का और जीवनाशा से जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, दानदाता जुड़े हुए हैं, चाहे यहाँ उपस्थित है या नहीं है, मैं उन सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी बदौलत ही यह सब कुछ संभव हो पा रहा है। जिंदगी में हर कोई कमाता है, लेकिन उसका यदि 1% भी हम अपने सब इच्छा से ऐसी जगह दान देते हैं तो वो हमें हमारे जीवन का कल्याण जैसा एक कार्य आता है। इसलिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से मेरे जिंदगी में 4 चांद लगे। ऐसे ही हजारों और दिव्यांग भाई बहन और अभी हैं, उनके लिए आप अपना सहयोग प्रदान करें और आप अपना आशीर्वाद पे दे दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो धनाराम जी का हौसला भी बढ़ता है, पूज गुरुदेव की तो है प्रेरणा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। एक और हमारे बीच में दिव्यांग भाई हैं, इतने धनाराम जी अपनी आप अपना लक्ष्य साधो और बुलेट ट्रेन से भी फास्ट इनका तीर जाता है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की से ज्यादा रफ्तार में इनका तीर जाएगा। दोनों हाथ आपको उठने चाहिए तालियों के साथ। झूले प्रभु जी आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की।